नबू तो आज जो होली होगी उसकी शुरुआत होगी यहाँ से। तो अभी हम मंदिर से आ गए हैं नीचे और भगुदा बताएं कि ये कौन सी होली लगी है। अभी इसमें बोर्ड लिख देना, ये भगवत सिंह नेगी जी के लिए हमारा चैलेंज है। तो नीरू भाई, अभी आपके घर से होलियां जो है चली गई हैं, तो होलियों के साथ साथ हम अपने लड़कों को थोड़ा ट्रेनिंग भी दे रहे हैं ताकि नीरू भाई की जब शादी होगी तो उनको बैंड का खर्चा नहीं आएगा। तो अभी मैं दिखाता हूँ किस तरह से हमने नीरू भाई की शादी के लिए तैयारियां की है। नीरू भाई कमेंट करके बताना जरूर। हेलो जी, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया। आज है 21 मार्च 2024 और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों आज होली का दूसरा दिन है और हम जा रहे हैं समाधान। तो बहुत सारे लोगों को मेरे ब्लॉग का इंतजार होगा, जैसे कि रोहित भाई हैं, गणेश भाई हैं, पंकू भाई हैं, दलीप भाई हैं, भाई नहीं बहन भी हैं, दीदी लोग भी हैं और दूर दूर के बाकी व्यूअर भी हैं जिनको मैं नहीं जानता। तो फिलहाल हम जा रहे हैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ और आज हम जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ की वीडियो बनाऊंगा। तो मेरे साथ दिखाता हूँ दोस्तों, हमारे साथ अभी 2-3 बच्चे जा रहे हैं। अरे क्या क्या बेच रहे हो? अंडे, रोटी। जरा वो कैसे बेचते हो जरा बताओ तो। अंडा ले लो, रोटी ले लो, टॉफी ले लो, तो इस तरह से कुछ अंडा बेचते हैं। अच्छा, एक अंडा कितने का बेच रहे हो? कि मुर्गे का अंडा है? हाँ। मुर्गे का? हाँ। ना मुर्गी का, नहीं तो बकरी का है, बकरी का। बकरी का अंडा है। तो 10 का एक बेच रहे हो, कितना फायदा हो रहा है? एक 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 अंडे में कितना मुनाफा हो रहा है? 300 रुपए पूरे 30 अंडे का। अच्छा, 30 अंडे में कितने 300 रुपए कमा रहे हो? हाँ। और मुनाफा मतलब फायदा कितने का हो रहा है? फायदा 130 का। 100 फायदा हो रहा है मेरे को, 200 का। हिसाब 150 का, 150 की तैयारी, 130 का, 170 का अंडे का कैरेट है। अच्छा, 170 की कैरेट कहाँ से लाए भाई तुम? ये उम्दा के वहाँ से। और तुम कहाँ से लाए 150 का? इसी उम्दा के वहाँ से। तो तुम्हें सस्ता क्यों दिया उम्दा ने? 170 का। तो कुल मिला के 130 रुपए का लाभ हो रहा है इनको। अंडे उबाल रहे हैं और उबाल के एक अंडा फूट भी तो रहे होंगे उबालने में, एक दो। तो यार 120 का लाभ लगा लो तो टोटल है ना। हाँ। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं देवदार की छांव में। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ हैं और उन्हीं के साथ में बना हुआ है यहाँ पर मंदिर सेमथान। तो सेम जी का मंदिर है। तो आज जो होली होगी उसकी शुरुआत होगी यहाँ से, यहाँ से आज की होली की शुरुआत होगी। नबू है बढ़िया सी चाय। तो चाय की चुस्की लेते हैं और होली का आनंद लेते हैं।
बच्चों के लिए नहीं है, इससे जरा इसके पापा का नाम उसको क्या बोलना कुछ चाहिए। अभी हम मंदिर से आ गए हैं नीचे और भगदड़ बताएं कि ये कौन सी बोली लगी है। अभी इसका बोर्ड लिख देना, ये भगवत सिंह नेगी जी के लिए हमारा चैलेंज है। अगली लाइन होगी गलिया गलिया गिरधारी लटके हैं। ये है मासपू का घर, बूढ़ा जी का घर ये है। और अभी यहाँ से होली जाएगी धीरे धीरे ऊपर की तरफ, तो यहाँ से जाएगी रोहित भाई के यहाँ पे घर होली, ना ना यहाँ से जाएगी यहाँ पे रमेदा नमादा के यहाँ जाएगी, उनके बाद जाएगी ऊपर रोहित के यहाँ पे। रोहित भी मेरा ब्लॉग रोज देखता है तो रोहित को भी हैप्पी होली। रोहित के दोस्त उसके आंगन में बैठ गए हैं, ये देख सकते हैं आप, ये पहचानने में नहीं आ रही लेकिन कौन कौन है। भाई आपके घर पे अभी होली हो गई है, अब यहाँ से होली जाएगी आपके घर से नीरज के यहाँ पे। तो नीरू माशाब के आप घर होली जाएगी। नीरू माशाब आप तो आए नहीं लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो में लूं क्या? कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? शिशु मंदिर में ऐसे ही बोलना सिखाया जाता है। हेलो, तो माशाब आपके घर हम चले गए हैं, देख सकते हैं आप गोलगप्पे मासा हूँ और फोन पे में डबल भेज दूंगी खोरी। आलूडू नहीं यार, पैसे नहीं है यार बाबू। राजदा खिला दो यार कुछ, कुछ नहीं खिला सकता मैं, पैसे नहीं है। तो दोस्तों ये है नीरज भाई का घर,
तो नीरू भाई, अभी आपके घर से होलियाँ जो है चली गई है, तो होलियों के साथ साथ हम अपने लड़कों को थोड़ा ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, ताकि नीरू भाई की जब शादी होगी तो उनको बैंड का खर्चा नहीं आएगा। तो अभी मैं दिखाता हूँ किस तरह से हमने नीरू भाई की शादी के लिए तैयारियाँ की है। नीरू भाई कमेंट करके बताना जरूर। तो दोस्तों, अभी शाम के 7:30 बज गए हैं और अंधेरा हो गया है, और हम आ गए हैं गणेश दा के घर में। तो धीरे धीरे ठंड भी बढ़ रही है, तो लोगों ने अब आग जलानी शुरू कर दी है और होली गाई जा रही है। अभी इतनी अच्छी जमी नहीं है, अगर जमेगी तो आपको दिखाऊंगा, अगर नहीं जमेगी तो फिर आज के व्लॉग को यहीं पे समाप्त करेंगे। होली को जमने देते हैं थोड़ी देर। Yeah.
अभी बज गए हैं रात के 10 और बहुत सुंदर आज की होलियां हुई, बहुत मजा आया। तो अभी हम आ गए हैं घर में। मुझे उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल भी रखिए। जय श्री राम, टाटा।